आज मणिपुर की घटना को लेकर गुना के सिविल सोसाइटी ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। सिविल सोसाइटी के लोगों ने कहा, आज मणिपुर में 2.5 महीने में लगातार अराजक स्थिति बनी हुई है और लोगों के घर जलाए जा रहे हैं। 2 महिलाओं को निवस्त्र करके सैकड़ों की भीड़ उनके साथ गलत कर रही है। इस घटना ने मन को उद्वेलित किया है। हम गुना के सिविल सोसाइटी के लोग इसका विरोध करते हैं। इसी निंदा प्रस्ताव के साथ राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया है, जिसमें मणिपुर में हिंसा को रोकने के प्रभावी कदम उठाकर महिलाओं को तत्काल सुरक्षा प्रदान की जाए, वहां के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह को बर्खास्त किया जाए और महिलाओं संबंधी कानूनों को कड़ाई से पालन कर हर हाल में सुरक्षित व शांति का वातावरण देश में बनाने का कष्ट करें। आज के सिविल सोसाइटी में नरेंद्र भदौरिया, राकेश मिश्रा, हरि विजय वर्गीय, नंदकिशोर सहारिया, गायत्री सहारिया, भावना सहारिया, मनीष श्रीवास्तव, मोहन रजक सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे और जिला प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। जी बताइए, आज जो आपने ज्ञापन दिया है मणिपुर में जिस तरह से आदिवासी महिलाओं के साथ जो घटनाएं घट रही हैं, 200 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई और सैकड़ों मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च जलाए जा चुके हैं, ऐसे में इस देश की सुरक्षा शांति व्यवस्था खतरे में है। इसी बीच में एक वीडियो वायरल होता है कि एक छोटी बच्ची के से जिस तरह से उसको निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है, उसकी हत्या और उसके बलात्कार किया जाता है, खास में तब जबकि वो एक पत्नी होती है कारगिल में लड़ रहे हमारे एक सैनिक की, ऐसे में जब सैनिकों का परिवार ही, सैनिकों के परिवार की महिलाएं ही सुरक्षित इस देश में नहीं है, जब मणिपुर के लोग ही इस देश में सुरक्षित नहीं है, तो इस देश के की सुरक्षा पर एक गंभीर सवाल है। मणिपुर एक ऐसा राज्य है हमारे देश का जिसमें धारा 371 प्राप्त है, जिसे विशेषाधिकार प्राप्त है, जैसे कश्मीर में अभी हमारी सरकार ने 370 हटाई है ना, क्योंकि उसमें विशेषाधिकार था, ऐसा ही मणिपुर में भी 371 धारा है, अनुच्छेद है, जो वहां के लोगों को खुद का कानून बनाने का, खुद की सुरक्षा करने का, खुद प्रशासन करने का अधिकार देता है। इसके बावजूद भी यदि मणिपुर यहां पर सुरक्षित नहीं है तो मध्य प्रदेश सुरक्षित नहीं हो सकता, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र भी सुरक्षित नहीं हो सकता। इसलिए आज गुना के नगर नागरिकों ने मिलकर यहां पर मणिपुर के पक्ष में ये ज्ञापन यहां पर सौंपा। जी बताइए, आज ज्ञापन दिया है सिविल सोसाइटी इंडिया के बैनर तले। आज शहर के गणमान्य नागरिकों ने मणिपुर में हो रही हिंसा के विरोध में महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दिया है और महामहिम राष्ट्रपति जी से अनुरोध किया है कि इस देश की सरकार पिछले 90 दिन से सो रही है और मणिपुर में लगातार महिलाओं पर और एक विशेष जाति वर्ग पर अत्याचार हो रहा है, पूरा देश शर्मिंदा है। इसलिए महामहिम, हमारे देश में इस तरह का जो वातावरण दूषित हो रहा है उसके लिए आप आगे आएं और इस देश की एकता अखंडता बनाए रखने के लिए तुरंत निर्णय लें।